डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसिस विद उर्दू मीनिंग एट लीस्ट एट लीस्ट मीन्स होता है कम अज़ कम यानी अक्सर हम कहते हैं कम अज कम तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कम अज़ कम तुम्हें नौकरी करनी चाहिए कम अज़ कम तुम मुझसे कह सकते हो इस तरह के सिचुएशन में हम ऐट लीस्ट यूज़ करते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल एट लीस्ट यू शुड ट्राई इट कम अज कम आपको कोशिश करनी चाहिए एट लीस्ट यू टू से लाइक दिस कम अज कम आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए एट लीस्ट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस मैटर कम से कम हमें इस मामले पर बात करनी चाहिए एटलीस्ट एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मी कम से कम आपको तो मुझे समझना चाहिए एटलीस्ट यू नीड टू टेल मी द ट्रुथ कम से कम आपको मुझे सच बताना चाहिए तो एटलीस्ट यूज़ कर कर आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं और काफ़ी सारे बना सकते हैं द नेक्स्ट इज़ अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद का मतलब है के साथ फॉर एग्जाम्पल प्लीज कम अलॉन्ग विद मी मेरे साथ आइए अलॉन्ग विद हम यूज़ करते हैं किसी के साथ जाने के लिए किसी के साथ आने के लिए कोई सफ़र तय करने के लिए आई विल कम अलॉन्ग विद यू मैं तुम्हारे साथ आऊँगा डोंट गो अलॉन्ग विद योर एनिमी अपने दुश्मन के साथ मत जाएं। प्लीज़ कम टू द पार्टी अलग विद माई फैमिली पार्टी में मेरी फैमिली के साथ आइए डू यू वॉन्ट टू गो अलॉन्ग विद अस शॉपिंग क्या आप हमारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहेंगी तो अलॉन्ग विद हम यूज़ करते हैं किसी के साथ कहीं जाने के लिए अब आप एक सेंटेंस बनाइए मेरे साथ ऑफिस में आइए अलॉन्ग विद यूज़ करके ये सेंटेंस बनाइए तो अब आपको किसी के साथ जाना हो या आप किसी को अपने साथ आने के लिए कहें तो आप अलॉन्ग विद का यूज़ करेंगे द नेक्स्ट इज़ एट एनी कॉस्ट एट एनी कॉस्ट मीन किसी भी कीमत पर अक्सर हम कहते हैं ना किसी भी कीमत पर मुझे एग्ज़ाम्स पास करना है किसी भी कीमत पर तुम्हें नौकरी करनी होगी तो किसी भी कीमत पर आप यूज़ करोगे एट एनी कॉस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आई मस्ट हेल्प यू एट एनी कॉस्ट मुझे आपकी हर हाल में मदद करनी है या मुझे आपकी हर हाल में मदद करनी होगी किसी भी कीमत पर मदद करनी होगी यू हैव टू डू दिस वर्क बाय द नाइट एट एनी कॉस्ट आपको ये काम हर हाल में रात तक पूरा करना है यू हैव टू डू दिस वर्क बाय द नाइट एट एनी कॉस्ट आपको ये काम हर हाल में रात तक करना है वी हैव टू मीट टमारो एट एनी कॉस्ट हमें कल हर कीमत में मिलना है हमें किसी भी कीमत पर कल मिलना है वी हैव टू मीट टमारो एट एनी कॉस्ट वी मस्ट प्रिवेंट दिस फाइट at एनी कॉस्ट हमें हर कीमत पर इस लड़ाई को रोकना होगा वी हैव टू या वी मस्ट प्रिवेंट दिस फाइट एट एनी कॉस्ट हमें हर कीमत पर इस लड़ाई को रोकना होगा वी हैव टू शिफ्ट अवर हाउस एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर हमें अपना घर शिफ्ट करना होगा यानी कुछ भी हो जाए हमें अपना घर शिफ्ट करना है वी हैव टू शिफ्ट अवर हाउस at एनी कॉस्ट अब आप एक सेंटेंस बनाइए किसी भी कीमत पर आपको नौकरी करनी होगी द नेक्स्ट इज बाय द वे बाय द वे मीन्स वैसे एग्जाम्पल बाय द वे where आर यू वर्किंग nowadays? डेज वैसे आजकल आप कहाँ काम कर रहे हैं हम किसी से पूछते हैं ना वैसे आजकल आप कहां जॉब कर रहे हो तो आप कहोगे बाय द वे वेर आर यू वर्किंग आवर डेज बाय द वे वट आर यू डूइंग आवर डेज वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो बाय द वे वेर डू यू लिव वैसे तुम आजकल कहाँ रह रहे हो या तुम कहां रहते हो बाय द वे डू यू लाइक टी क्या तुम्हें चाय पसंद है वैसे तुम चाय पसंद करते हो बाय द वे आई एम नॉट सो टॉकेटिव वैसे तो मैं ज़्यादा बातों नहीं हूँ बट आई एम इन्जॉइंग टॉकिंग टू यू लेकिन मैं आपसे बात करना अच्छा महसूस कर रही हूँ तो बाय द वे वैसे बाय द वे वॉट आर यू डूइंग टुडे वैसे तुम आज क्या कर रहे हो बाय द वे वॉट आर यू डूइंग टुडे बाय द वे वॉट आर यू डूइंग टुडे इवनिंग वैसे तुम आज शाम को क्या कर रहे हो कैन यू मीट टुडे क्या तुम मुझसे आज मिल सकते हो इफ़ यू आर फ्री अगर तुम फ्री हो तो बाय द वे मीन्स वैसे अब आप एक सेंटेंस बनाइए बाय द वे को यूज़ करके वैसे तुम्हें इंग्लिश बोलना आती है द नेक्स्ट इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ मीन्स नतीजे के तौर पर यानी कोई काम जो आप बता रहे हो वो किसी नतीजे के तौर पर हो रहा हो फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ रिज़ल्ट द प्राइज इज़ रॉज नतीजे के तौर पर महंगाई हो गई या कीमतों में इजाफ़ा हुआ एज अ रिज़ल्ट द प्राइज इज़ रॉज़ नतीजे के तौर पर यानी कोई पॉलिसी आई इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ महंगाई हो गई कीमतों में इजाफा हुआ ही वॉज लेट result ऑफ द एक्सीडेंट हादसे के नतीजे में उसे देर हो गई ही वॉज लेट result ऑफ द एक्सीडेंट हादसे के नतीजे में उसे देर हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर मैनी died डाइड एंड country वॉज डिस्ट्रॉयड जंग के नतीजे में बहुत से लोग मारे गए और मुल्क तबाह हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर जंग के नतीजे में रिजल्ट ऑफ our फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती के नतीजे में वी विल स्टेट टुगेदर ऑलवेज़ हम हमेशा साथ रहेंगे किस वजह से साथ रहेंगे फ्रेंडशिप की वजह से सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप हमारी फ़्रेंडशिप के तौर पर हमारी फ्रेंडशिप के नतीजे में आई बिकम एंग्री एज अ रिज़ल्ट ऑफ़ फेलिंग हिज एग्ज़ाम्स मैं उसके इम्तहान में फ़ेल होने की वजह से उससे नाराज़ हो गई एज अ रिज़ल्ट ऑफ़ फेलिंग इन एग्ज़ाम्स उसके इम्तिहान में फेल होने की वजह से उससे नाराज हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ फेलिंग इन हिज एग्जाम्स उसके इम्तिहान में फेल होने की वजह से तो नतीजे के तौर पर आपका अब यूज़ करोगे जब कोई काम किसी नतीजे के तौर पर हुआ हो अब आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कीजिए अपनी कॉन्वर्जेसन में इन वर्ड्स को याद कर लीजिए एज अ रिजल्ट ऑफ बाय द वे एट एनी कॉस्ट अलॉन्ग विद एटलीस्ट और जितने ज्यादा हो सकते हैं इनको यूज़ कर कर सेंटेंसेस बनाइए कीप स्टेइंग विद कीप लर्निंग इंग्लिश थैंक्स फॉर वॉचिंग